अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर आया हूँ जो आज तक आपने नहीं देखी होगी। तो मैं ये वीडियो जो आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ये सिर्फ इलेक्शनों के लिए, किसी चीज़ लड़ाई झगड़े के लिए नहीं है ये वीडियो। तो ये वीडियो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता समाज साथ रहे बस AIMM की तरफ से विधानसभा प्रत्याशी बबलू राठौर और कोल्डी भाई को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर विजयी बनाए। धन्यवाद। तो मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं कि तो प्लीज एंड तक देखें। और तुम्हारे बहुत सलवार तू सरी वसी माइक वहां तक आ जाएगा। हेलो, मैं माइक लेकर आ रहा हूं भाई, एक मिनट रुक जाइए। रहमान साहब आइए, ये सारे गाने कम से कम लोगों से लगे मोहम्मद दिल के बहुत ही नजदीक मेरे अपने भाई
या मेरे बुजुर्ग, मैं सबका सम्मान करता हूँ और मैं आप लोगों के बीच में ओवैसी साहब के आदेश पर अमन चैन को आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। जिस तरीके से अब तक 20 साल से यहाँ हिंदू मुस्लिम की खाइयों को लोग खोलते चले आए और 150 वोट वाला अपने आप को विधायक बनाकर चलाया, उसको ये याद दिलाने आया हूँ कि तू चार बार से जनप्रतिनिधि है, ऐसा करके छोड़ूंगा कि कभी पार्षद बनने लायक नहीं रहे। जिस तरीके से आप लोगों के साथ इन भाजपा वालों ने जो देश भावना के तहत कार्य किए हैं, मैं 2 महीने से घूम रहा हूँ अपने मुस्लिम भाइयों के क्षेत्र में, वहाँ पर पैर रखने के लिए निकलने के लिए जगह नहीं है। इन लोगों को ये बता देना चाहते हैं हम कि हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम की बात करेगा वही प्रजा विधानसभा पर राज करेगा। ये समझ ले अब हिंदू मुस्लिम किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब भाजपा की भी टीम है, उन्होंने एक हिंदू बेटे को टिकट देकर आपके बीच में अपनी पार्टी से उतारा। आप मुझे बताइए यहाँ पर पी टीम कौन है, समाजवादी पार्टी कौन है? नहीं देखता आप लोगों के सामने मेरी टिकट काट कर दूसरे व्यक्ति को दे दी, जो व्यक्ति ये कहते थे कि मेरी गुल्लक में 10 रुपए भी नहीं है, उन्होंने 135,000 रुपए कैसे दे दिए ये मुझे बताइए। देकर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम होता और सदर विधायक फिर विधायक होता। अगर आज की स्थिति में अगर विधायक को भाजपा को हराने वाला है तो मात्र एक आपका भाई है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है 20 तारीख को 1-1-7 नंबर के जो कि अपना 7 नंबर का निशान है, उसमें चुनाव चिन्ह पति है, उसको दबा दबा कर इतना कर दीजिए कि सारी ईवीएम भी हैंग हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जो मेरे लोगों ने जो मुझे प्यार इसने जो लोगों ने मुझे गले लगाया है, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूं। ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे नहीं पता था कि मेरे लोग मुझे इतना प्रेम इतना स्नेह देंगे, जिससे कि मेरे दिल में इतना मतलब यानी कि दर्द आएगा कि मैं इमोशनल हो जाऊंगा। आप लोग मेरे बहुत ही शुभचिंतक बहुत अच्छे लोग हैं, मैं इन चीजों को आगे आने वाले समय में ये हिंदुस्तान को दिखा दूंगा, एक मिसाल कर दूंगा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई बाकी सिंधी कौन कहाँ से आएगी। आप इन दल्लों के बहकावे में ना सदर विधायक ने मुझे अनैतिक रूप से थाना रसूलपुर में बंद करा दिया। 15 मिनट में हुई, 15 मिनट में यहाँ के शासन प्रशासन को मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके पास कोई कारण नहीं था। जो भी सामग्री थी मेरे पास वो जैनवल्टी और मानक के अनुसार थी, लेकिन उन्होंने अपनी ओसी हरकत का परिचय दिया। आज फिर शाम को देर रात मेरे खिलाफ मुकदमा भी लगा दिया। बहकावे की कोशिश करेंगे या आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको गुमराह नहीं होना है। इनको वोट देंगे। जय भीम, जय भीम। भाइयों, अपने शब्दों को जल्दी बता दिया, जब पतंग को कोई हराने वाला नहीं है, आपके लोगों साथ है तो पतंग बहुत ऊपर जाएगी, बहुत ऊपर जाएगी।
एक मतला एक शेर सुना रहा हूँ मैं आपको, सुनिएगा। पतंग पतंग उड़ाओ जोरों से मुल्क बचाओ। भैया मैं ज्यादा नहीं सुनाऊंगा भाई के सामने, एक शेर और सुनिए। मैदा से तुम भागोगे पाला बड़ा इन शेरों से। साथ हमारे अल्लाह है कह दो हमारे बहुत बुजुर्ग भी है, शायर भी है, इनको नहीं हजरात, मैं आप लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ इस फिल्म के जरिए।